हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम 2018 की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट बुक्स जो आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, उन सब के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, पॉलिटी के सेक्शन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों, ये वीडियो खासकर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है हिंदी का जो है मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो उन लोगों के लिए हमने स्पेशल ये वीडियो बनाया है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बुक्स जो है हमने मेंशन की है, ठीक है, जो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है पॉलिटी के लिए दोस्तों, आपको जो बुक आपको ख़रीदनी है वो है लक्ष्मीकांत, ठीक है, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। इसका फिफ्थ एडिशन जो है मार्केट में आ चुका है। आप अमेजन से लेना चाहो अमेजन से ले सकते हो, फ्लिपकार्ट से लेना चाहो फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, या बाहर से आप स्टोर से बुक डिपो से लाना चाहते हो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो है बुक का जो कवर है ऐसा, तो आप देख लेना दोस्तों अपना हिसाब से। ठीक है, इनका सेम दोस्तों लेटेस्ट एडिशन में, फिफ्थ एडिशन में जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो भारत की राज्य व्यवस्था जो है, सेम बुक है दोस्तों ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, पॉलिटी के लिए। ठीक है, तो आपको इसी बुक को रेफ़र करना है। उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक लिखी गई है स्पेक्ट्रम, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट्स में काफ़ी अच्छी बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए ये वाली बुक है और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये वाली बुक है। ठीक है, आप इसे देख लीजिए ये वाली बुक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऑक्सफोर्ड का एटलस आपको लेना है, जो इसके अलावा भी एक एटलस आता है, वो एटलस है दोस्तों दूसरी पब्लिकेशन का है, लेकिन ऑक्सफोर्ड का बेटर है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा डाटा जो है रिसेंटली इंक्लूड हुआ है। इसका 35th एडिशन ही आप लेना, पुराना मत लेना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें नई ऐड होती रहती है मैप्स में, तो लेटेस्ट आप यही वाला लेना। ठीक है, ओरिएंट ब्लैक स्वान का होता है दोस्तों दूसरे वाला, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये वाला बेटर है, तो इसे अच्छे से आप कर सकते हैं और इसे ही प्रेफर कीजिएगा। ठीक है, ये वाला हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, लेटेस्ट एडिशन ये वाला है, ये वाला सॉरी। ठीक है, आप देख लेना मार्केट में जो भी हो। उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ है दोस्तों, आपको ये वाली बुक ज़रूर लेनी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के नाम से ये वाली बुक आएगी, इसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हैं 2016 तक। ठीक है, 2017 का आपको मिल जाएगा यूपीएससी की वेबसाइट पर। ठीक है, बाकी 2016 के जो हैं इसमें सब हैं, 2004 से शायद 16 तक है। ठीक है, इसका बेनिफिट सुनिए, ये हार्डली 150 रुपीज़ की बुक है दोस्तों, और इसमें सब कुछ दिया हुआ है, पेपर वन और पेपर टू का विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया है। बेनिफिट इसका ये रहेगा दोस्तों, पेपर टू में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, पेपर टू में जैसे एसे वगैरह में जो है कैसे लिखने हैं वो सब इसमें जो है दे रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो ये वाली बुक भी आप परचेज कर लीजिए, ये वाली पहले परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि तैयारी शुरू करने से पहले सिलेबस वगैरह देखना है आपको, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं आपको, किस हिसाब से क्वेश्चन जो है आते हैं, तो ये वाली बुक जरूर खरीदिए। ठीक है, उसके बाद जो है ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटीज़ हैं, ठीक है, वो आपको ख़रीदनी है 6 to 12 क्लास तक। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये वाली बुक बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों, इन फिजिकल एनवायरनमेंट करके है, 11th क्लास की है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका 11th क्लास की बुक का। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ये वाली बुक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी करके, 10th और 9th की भी इम्पोर्टेंट दोस्तों। ठीक है, ये चार बुकें काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इससे ऑलमोस्ट आपका सारा जो सिलेबस वो है कवर हो जाता है। बाकी आप पढ़िए आप 6th क्लास से, क्योंकि बेसिक से बिल्कुल चल रहा है, आपको पूरा साल है अभी आपके पास। ठीक है, उसके बाद जो है साइंस की जो एनसीईआरटीज़ आपको ख़रीदनी है वो 6 to 10th क्लास। ठीक है, सारी एनसीईआरटी पढ़ दीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सब की। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे जो है एंशियंट हिस्ट्री के लिए आपको आप आर एस शर्मा जो है एक वो एनसीईआरटी आती है आर एस शर्मा के नाम से, वो वाली बुक जो आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये बुक सारी जो है अमेज़न पे अवेलेबल हैं, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ही पीडीएफ होगा, उसमें सारे लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
उसके बाद रीजनिंग के लिए दोस्तों आप आर एस अग्रवाल की एक बुक आती है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग करके, उसको रेफ़र कर सकते हैं। मैथ के लिए आप आर एस अग्रवाल को रेफ़र कर सकते हैं, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं उसमें 5-6, उनको ही सिर्फ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टाइम एंड वर्क है, ट्रेन एंड टाइम एंड डिस्टेंस है, स्पीड एंड डिस्टेंस है, इस तरह से करके हैं। उसके बाद प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 6-7 चैप्टर्स हैं, ये आप कर लीजिए उसमें से, ठीक है। और डिफेंस के लिए ऐसा कोई बुक नहीं है, ठीक है, आपको फोल्डर मटेरियल से ही पढ़ना पड़ेगा। अब आप ये देखिए फोल्डर मटेरियल आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नेट पे मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा है, वीडियो वगैरह भी हैं काफ़ी सारी, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप करंट अफेयर के लिए आप अगर आप डेली द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो द बेस्ट रहेगा, ठीक है। पेपर टू में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे आपको। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आपका ऑल्टरनेटिव रहेगा प्रत्युक्ति दर्पण की मैगज़ीन, ठीक है। 6 मंथ की एक मैगज़ीन आती है दोस्तों, ठीक है, वो पढ़ लीजिए, वो मोर देन एनफ है, ठीक है। काफ़ी अच्छी मैगज़ीन है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, अभी मैंने पिछली बार ही देखा था उसे, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी आपके लिए वो मैगज़ीन, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यही सारा जो है आपका स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर जो है आपका पेपर में आता है, इन्हीं में से 110 या 115 के अराउंड आ जाता है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स रह जाते हैं, जैसे आपके अवार्ड्स हैं, गेम्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी नोबेल प्राइज़ है जैसे, उसके बाद कोई अदर अवार्ड हैं, गेम्स वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, किसी की डेथ हो जाती है या ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो वो आप करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं उसमें, और बाकी क्वेश्चंस आपको अवार्ड्स वगैरह की जो है वेबसाइट पे टाइम टू टाइम देखने चाहिए। और ये सब जो है मिसलेनियस क्वेश्चन है जो, वो आप बिल्कुल एंड में कीजिए, जब लास्ट के 10 दिन रह जाए तब इनको देखिए, क्योंकि आप जनवरी में अगर याद करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा पहली बात तो अगस्त तक, उसके बाद चीज़ें बदलती रहती हैं, ऐड होती रहती है, तो लास्ट में ही याद कीजिए आप, ठीक है। पेपर टू के लिए आप जो है मैंने वो जो बुक बताई थी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व क्वेश्चन बुक वाली, उसको रेफ़र कर सकते हैं, उस वो फुली सॉल्व बुक है, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है डायरेक्ट देख सकें। थैंक यू।